बहुत ही कम दूध में गाढ़ी खीर कैसे बनाएं। चलिए इसी ट्रिक को आज मैं शेयर कर रही हूँ, वीडियो को देखते रहे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ दूध जो है बिल्कुल हाफ लीटर, और यहाँ पे मेरे पास है 1 कप भीगा हुआ गोविंद भोग चावल जो खीर के लिए स्पेशली आता है। उसे मैं 2 घंटे तक अच्छे से भिगो के रखी हूँ पानी में। और यहाँ मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल ऑप्शनल, अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप डाल लें। और मैं सैफ्रन भी ऐड कर रही हूँ जस्ट फॉर गार्निशिंग, वैसे इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे मेरा जो दूध है वो उबल चुका है बहुत अच्छे से, और अब ये दूध थोड़ा सा उबल कर थोड़ा सा सूखा है, सिर्फ 2-3 मिनट एक्स्ट्रा मैंने उबाला इसे। और उस चावल को मैं अच्छे से धो करके छान करके इसमें डाल दे रही हूँ। अब इसको फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसे धीरे धीरे पकने देंगे, और बीच बीच में चलाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि कितना पका है। इससे बनने में थोड़ा समय तो ज़रूर लगता है, लेकिन हाँ इसका गाढ़ा होने का ट्रिक यही है कि आपको चावल को ज़्यादा पकाना होता है तो इसका स्वाद बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा आता है। लेकिन जब आप दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसमें खीर थोड़ी पीली पीली दिखती है, और वो भी गाढ़ी ही स्वाद आती है। लेकिन इसका भी स्वाद सेम ही आपको मिलेगा, बस इसमें दूध कम होने की वजह से गाढ़ी गाढ़ी पीली पीली सी दिखती नहीं है, लेकिन टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आता है। तो मैं यहाँ पे बीच बीच में चेक कर ले रही हूँ कि ये कितना पका है, और बस इसे ऐसे पकने दें। और मैं इस खीर में थोड़ा मखाना भी ऐड कर रही हूँ, तो चलिए मखाना ऐड करने के लिए क्या करेंगे कि इसी बीच में पैन में थोड़ा सा घी ले ली हूँ, और उसमें मखानों को 1/2 कप और 1 कप जितना भी आपका मन हो, वैसे मैं यहाँ पे 1/2 कप ही मखाना ऐड कर रही हूँ। मखाने को मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी अच्छी तरह से उलट पलट कर भून कर। यहाँ मेरा घी गर्म हो चुका है और अब मैं मखानों को डाल दी हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं रोस्टी कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा रोस्टी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी जब ये खीर में जाएगा तो ऑटोमेटिक सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन इससे भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अच्छा, सैफ्रॉन ऐड करने की एक अच्छी बात ये होती है किसी भी चीज़ में, स्पेशली खीर में, कि उसका कलर के साथ उसमें फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो आप भी ज़रूर कोशिश करें ऐड करने की। तो इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है खीर में जो आपको देनी है, उसके बिना खीर बनेगी नहीं। तो उसमें से सिर्फ होती है चीनी, इलायची, और ऑफ कोर्स दूध और चावल। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा मखाना है वो ऑलमोस्ट रोस्ट हो चुका है। मैं इसको 2 मिनट ही पकाई हूँ, कम आँच में 2 मिनट ही पका रही हूँ। तो यहाँ मेरा मखाना भी बन चुका है, दूसरी तरफ मेरा खीर भी बन रहा है। आप इस मेथड को ज़रूर ट्राई करें, और चावल को ज़्यादा थोड़ा करके पकाएं तो आपकी खीर वैसे भी गाढ़ी हो जाएगी। तो इधर वापस आते हैं खीर की तरफ। मुझे लग रहा है कि खीर थोड़ा और होना बचा हुआ है। ऑलमोस्ट जब हम ज़्यादा दूध यानी कि 1 लीटर दूध से जब खीर बनाएंगे और उसको आधा सुखा देते हैं, तब इतना ही चावल पकाना काफ़ी होता है, क्योंकि हमें इसे चावल को थोड़ा सा थिक बनाना है और गाढ़ा बनाना है खीर को, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा और पकाना पड़ेगा चावल को। और अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देती हूँ। इसी वक्त में खीर ऑलमोस्ट बन चुकी है, अब मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स टोटली ऑप्शनल है, और आपको जो भी पसंद ड्राई फ्रूट्स हो, जो भी अवेलेबल हो घर पर, वो सब कुछ आप डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते। तो यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल दे रही हूँ। मैं अभी इलायची और चीनी बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ, मैं इलायची और चीनी को बिल्कुल लास्ट में डालूँगी। यहाँ पे मैं इलायची को छोड़ रही हूँ, और सैफ्रॉन भी सेम होगा। सैफ्रॉन से तो हम गार्निशिंग करते हैं, लेकिन आप उस टाइम में भी दे सकते हैं जब हम चीनी और इलायची देते हैं तब। तो ये मेरी खीर बिल्कुल बन चुकी है। ध्यान रहे खीर बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना बनाए, खीर की कंसिस्टेंसी ऐसी बिल्कुल पतली रखें, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये ऑटोमेटिक गाढ़ा हो जाएगा, और आप जब अभी से गाढ़ा कर देंगे तो ठंडे होने के बाद तो ये बिल्कुल सख्त सा हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखें। तो ये मेरी ट्रिक जिससे मैं कम दूध में काफ़ी गाढ़ी खीर बनाती हूँ। तो हालाँकि दूध अवेलेबल हो तो भी आप गाढ़ी बना सकते हैं, ना अवेलेबल हो उस टाइम में आप ये वाली ट्रिक को यूज़ करें, और डेफिनेटली आपकी खीर बहुत टेस्टी बनेगी।
और यहाँ पे मैं मखानों को भी डाल चुकी हूँ और इसे थोड़ा सा सेट होने देते हैं। और अब खीर को ठंडा होने मैंने छोड़ दिया था 10 मिनट 15 मिनट के बाद ये थोड़ी सी ठंडी भी हुई है और गाढ़ी भी हो गई है आप देख सकते हैं। और अब हम इसे एक बॉल में सर्व करेंगे। और इसी वक्त हमें इसमें मैं बताना भूल गई थी कि जब गैस ऑफ करेंगे तभी चीनी और इलायची कुटी हुई इसमें डाल दें। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें और कुटी हुई इलायची भी 3-4 डाल दें। और यहाँ पे खीर तैयार है और आप घर पे इसको ज़रूर ट्राई करें और बताएं ये कैसा लगा आपको। सो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें।